नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 11 पांडवों की रक्षा। प्रश्न उत्तर का वीडियो अलग है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणाव्रत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणाव्रत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सकें। वारणाव्रत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाट से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साल मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता ना लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणाव्रत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर ना होने पाई। पुरोचन ने लाख के भवन की दीवार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया,
नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा बचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बेचारी थककर चूर हो गई थी। महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और नकुल एव सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उसी जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंकार और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता वह रौनता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वह सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्हार से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक वहीं रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा, एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर शोक के मारे
भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घूम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता था। वह बड़ी चिंता में उनकी बाट जोहती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके दो हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे हिस्से में से पांच हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी। इस पर भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखे रहने के कारण वे दिन ब दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठ बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट ना भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाके देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपने पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो, अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कल्वित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण ससक ससक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्ना सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा।
कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा कर मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगर के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वेदप्रिय नाम के महल में रहता है, बड़ा निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई ना कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको एक साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौट कर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप ये कैसी बातें करती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं कैसे भेजूं? यह कहां का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना है, तो युधिष्ठिर बड़ा खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इस पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ, तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावस से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंबा वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है ना चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए
उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ता कर भीमसेन ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर टांग दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। बाल महाभारत कथा का भाग 11 समाप्त होता है। अगला भाग है द्रौपदी स्वयंवर। प्रश्न उत्तर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।